अब ये सामान नहीं, ये सामान ज़्यादा है लोग पास ना, मेट्रो बगल में, चलो मेट्रो से आराम से पहुँच जाते, चलो कोई नहीं अभी कैब बुक करते हैं उसके बाद फिर आगे जो भी होगा चल रहा है ना। देखो इनसे पूछ रहे चल रहा है ना, ये हमारी ट्रेन थी, ट्रेन काफ़ी भाई सही है, बहुत सही है ट्रेन, AC 3 टीयर, हाँ धड़धड़ाते हुए बिल्कुल चलती रही, सांस तक नहीं ली रुकने के लिए। चलो आ जाए वो तो फिर रख के चला जाए। ये सामान है हमारा, गिन लो 11 पापा कह रहे थे, 1, 2, 3, 3, 6, 5, 11, तो ये 11 चीज़ें हमारी पूरी हो गई, सामान हो गया, ये लेके चल रहे उसके आगे। फिर बगल में फ्लैट रोड है, थकते बहुत हैं यहाँ, देखो इनकी मूर्खता, ये अगर चाहती तो पीछे रुक जाती और बगल में ना जाती, लेकिन ये इन्होंने कसम खाई कि उसी बगल में चलेंगे, इस बगल में नहीं चल सकती, प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे, कह देंगे अगर हम तो चिड़ जाएंगे अभी। ये देखो कितना सही लग रही विस्टा डोम, यही है विस्टा डोम, ये इसकी चेयर घूम जाती है, घूमने लायक अच्छी ट्रेन है। देखना तुम फंसा दोगी, अरे यार काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ये ट्रॉली इनकी सही नहीं, क्या किया जाए। हाँ चलो ये क्रॉस करना है, अबे ना गिरो यार, दिक्कत हो रही कैसे, ये पटरी है उछलेगा इसमें, एक दिन के पहले वही से वहाँ पे इतना सही थी ट्रॉली, एक भी मिनट नहीं लगा, आराम से लेकर आ गए, कुछ नहीं गिरा। मोदी जी की स्पीच सुन रहे लोग खड़े होके, पूरा सामान स्टेशन से निकल रहे हैं और जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन, इधर टैक्सी का प्रॉब्लम है, अभी भैया मिल जाता हाँ, तो हम लोगों को भैया मिल गए, वरना बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नया शहर नई जगह नए लोग, उम्मीदों से भरे हुए हैं हम लोग, हम लोग अच्छा करेंगे यहाँ पर, हरीश भगवान। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर, तो अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे हैं और अभी आज 18th of August है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं दवा लेने, भयंकर जुकाम हो गया भाई, तो दीक्षा को फीवर आ रहा, आते ही दोनों जन बीमार पड़ गए, बहुत ही दर्दनाक बात है, जा रहे दवा लेने, सुबह लेने आए थे तो कोई मेडिकल खुली नहीं, अभी ले लें उसके बाद फिर जाते हैं सुदीक्षा के ऑफिस, जो पुराना वाला ऑफिस है उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटीज है वो कम्प्लीट कर लिए, उसके बाद फिर फ्लैट व्लैट देखने तो वो देखने, अभी फ़िलहाल तो हम लोग सुदीक्षा की एक फ्रेंड है मेघा, उसके यहाँ रुके हुए हैं। हेलो अभी भी यार देखो सुनते हैं नहीं क्या, सुबह से तीसरी बार आ चुके भाई, ये अभी तो खुला ही नहीं, तो जाके भाई दवा वाले ले, जुकाम देख रहे हो, आवाज़ तक नहीं निकल रही, सांस चढ़ रही,
ये सब वो एसी और फिर गर्मी और फिर सर्दी। यहाँ का मौसम एक तो कल भयंकर गर्मी थी, आज भयंकर सर्दी। इनर विनर पहन के टाइम में बिना कंबल के गुजारा नहीं भाई साहब। वो लोग कहते थे सही कहते थे, हालत खराब है। यहीं कहीं था यार एक और, उसका भी देख ले, वो लिखा ओम मेडिकल्स खुला हुआ है। चलो थैंक गॉड। तो अभी फिलहाल सीन ये है कि हम लोग चाय पी रहे बैठ के, और हमारी जो दोस्त है वो कहीं बाहर गई है काम से, उसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे फ्लैट देखेंगे जाके, कुछ लग रहा है कि बस कहीं शिफ्ट हो जाए। बस मेरा इंटरव्यू लगा है यार, और चीज़ें एक साथ मैनेज कर। लोग आ चुके हैं सुदीक्षा की कंपनी देखने। ये है सुदीक्षा कंपनी, ऊपर लिखा कन्नड़ में, नीचे लिखा है सेंचर। काफ़ी सारे सामने कुछ फ्लैट जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे पता करते हैं जाके, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा क्या होगा। बड़ा परेशान है सुदीक्षा जी, इनको थोड़ा एक किलोमीटर पैदल चलने में दिक्कत हो जाती, 100 रुपये देने तैयार है। हाँ तो वो चक्कर इसलिए आ रहे थे दोस्तों, इनको देख देख के भाई साहब ये डंजो वाला चीज़ बढ़िया। देखो ये देखो, इतनी धनिया 5 रुपए की है ये, और ये लगभग आधा किलोमीटर किलो टमाटर 10 रुपए के, और ये 100 ग्राम मिर्चा ये शायद ये 10 रुपए के, तो टोटल 25 रुपए का इतना चीज़ मंगाई। आराम से घर में दे गया, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, सब मस्त ताज़ा ताज़ा पैक्ड बिल्कुल दे गया। और अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर है, और देखो बाहर क्या तगड़ी हवा चल रही है भाई साहब, बढ़िया लगता है इधर। और अभी सामान काफ़ी अनसेटल्ड है, देखो सब फैला पड़ा है पूरा। तो फिलहाल हम लोग ये है कि अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है, दाल चावल ये सुरक्षा खाना यहाँ बना रहे हैं। बस देखो तो चावल दाल चढ़ चुकी है, उबाली जा रही जहाँ तक नहीं, अभी पानी में होकर ये फ्राई होने के लिए। प्याज टमाटर सब रेडी है, तो अभी तो बन जाए खाना वाना, खा पी के फिर देखते हैं आज कहीं बाहर जाएंगे या जो भी है। आशू भाई को बुला लिया है, अभी आशू भाई आ चुका है और उसको लेने जा रहे हैं नीचे। खाना वाना भी बन चुका है, बस खा के फिर हम लोग कहीं जाते हैं। कल जन्माष्टमी थी तो हम लोग जा नहीं पाए कहीं, तो आज शायद इस्कॉन मंदिर जाएंगे। कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है बैंगलोर में। देखो कहाँ है, अभी तो है नहीं यार, यहाँ कहाँ है भाई, है नहीं यार, मुझे आ रहा है। तो भाई ये क्या है, हमारे लिए रसगुल्ले हैं ये सब, कुछ ले कर आया करो, खाली हाथ चले आते हो, जेब डाले हाथ में पकड़े, गरम गरम लाओ क्या भी, पकड़ो जल वापिस भाई, है ना तू पकड़ भाई, मैं जा लगी यार समझ लो, अभी तक खाना नहीं खाया, भूख मुझे भी लगी, मैंने बस बस कुछ नहीं खाया समझ यार, वेरी गुड, पहले तुमने नहीं भूखे हो, मौसम अच्छा है यार आज, इंडियन अपार्टमेंट में रहते हो। तो अभी हम लोग बाहर निकले, आंसू चला गया है खाना पीना खा के, तो अभी हम लोग बाहर निकले थोड़ा सामान वामान लेने के लिए, क्योंकि परसों हम लोगों को अपने फ्लैट में शिफ्ट होना, उसके लिए सामान वामान थोड़ी ज़रूरत है, तो ले लिया जाए, तो ठंडक है और ये लिफाफा बन के चाहिए नहीं। चलो जो भी सामान है, अंधेरा है यार तो दिख ही नहीं रहा होगा, अंधेरा सामान लेकर घर आ गए। सामान क्या है, एक झाड़ू लेनी थी, झाड़ू लेकर घर आ गए वापस। काफ़ी टाइम हो गया यार, कहीं जा नहीं पाया, आज के पूरा दिन वेस्ट हो गया है। सुदीक्षा यार तुम क्या बताएं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ए लॉग इन करो, जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय। सो रही हैं, चलो ठीक।